दोस्तों, एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा वहां पर एक बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ था। क्योंकि वह मूर्तिकार था, इसलिए उसने उस पत्थर को उठाया और वहीं पर अपना औजार निकालकर उस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। लेकिन जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार पड़ने लगी तो पत्थर बोला कि हे मूर्तिकार, मुझे छोड़ दो, मैं अपने ऊपर इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर सकता। मूर्तिकार ने कहा, पत्थर, अगर आज तुम दर्द को सहन कर लोगे तो कल तुम एक बहुत अच्छी मूर्ति बनोगे, फिर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पर पत्थर को वह दर्द सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वह आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे तराशना शुरू कर दिया। इसके बाद वह एक सुंदर मूर्ति बनकर प्रकट हुआ और उस मूर्ति की स्थापना पास के ही एक गाँव में की गई। लेकिन जब मूर्ति की स्थापना हो गई तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता महसूस हुई, तो गांव वाले पास के जंगल में गए तो उन्हें वही पत्थर वहां पर पड़ा हुआ मिल गया। वो उस पत्थर को उठा लाए और उस पत्थर का उपयोग नारियल फोड़ने में करने लगे। अब वो पत्थर अपने सामने खड़ी उस मूर्ति को देखकर सोचता कि काश मैंने उस दिन अपने ऊपर उस तरह की मार को झेल लिया होता तो आज मैं उस मूर्ति की जगह पर होता। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, आपके ऊपर बड़े दबाव डाले जा रहे हैं, तो निश्चित ही इसका मतलब ये है कि आगे चलकर आप एक निखर कर एक सुंदर मूर्ति के रूप में, एक सुंदर व्यक्ति के रूप में जरूर दुनिया के सामने प्रकट होंगे।